नमस्कार, चुनाव यात्रा में बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं आपके साथ अमित गढ़ शुक्ला। चुनाव यात्रा में आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान है, देवरिया से गठबंधन के प्रत्याशी अखिलेश प्रताप सिंह जी। आपका एक परिचय है कि आप रुद्रपुर से विधायक भी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, बहुत मुखर होकर अपनी बात को रखते हैं। और इन सबके अलावा एक परिचय ये भी है कि कई बार आप सामान्य तापमान में भी गुस्सा हो जाते हैं। अभी तापमान बहुत ज्यादा, मीडिया वालों से बातचीत के दौरान आपके भीतर कई बार देखने को मिलता है कि थोड़ी कड़वाहट देखने को मिलती है। अभी तापमान चूंकि बहुत ज्यादा है, अखिलेश जी चुनाव प्रचार करते हुए आप अपना तापमान सामान्य रख पा रहे हैं? नहीं, मेरा तापमान कभी भी असामान्य नहीं होता है। जब जैसा सवाल आता है उस तरह से जवाब आता है जी। जैसा सवाल जब कोई करेगा उस तरह से उसका जवाब आता है। हाई टेम्पो वाला सवाल रहता है तो इसमें आपका टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है। जैसा व्यवहार आचरण अगले का होगा वैसा, जैसा सवाल होगा वैसा जवाब आएगा, नेचुरल सा है। ओके, अब हम देवरिया पर आते हैं अखिलेश जी। 35 बरस हो गए कांग्रेस पार्टी को इस सीट पर जीत दर्ज किए हुए जी। इस बार ऐसा क्या आप करिश्मा देख पा रहे हैं, क्या मैजिक देख पा रहे हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये सीट आप जीत रहे हैं? देखिये, देवरिया के साथ बीजेपी के लोगों ने क्रूर मजाक किया है, हिंसक मजाक किया है। पिछले 10 वर्षों में देवरिया के साथ दगा किया बीजेपी के लोगों ने, और देवरिया इस बात को जान गया कि बीजेपी ने सिर्फ देवरिया के साथ धोखा दिया है। मैं आपको कुछ साक्ष्यों उदाहरण के साथ बताऊंगा। 2018 में देवरिया शहर के अंदर GIC ग्राउंड पे तत्कालीन केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री गडकरी जी, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री कलराज जी, तत्कालीन यूपी के डिप्टी CM मौर्य जी, इन लोगों ने मिलकर देवरिया के एक बाईपास का शिलान्यास किया था, रिंग रोड का, और बहुत वाहवाहियाँ लूटी थी कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, फलाना आ गया, और झूठ बोला। आज तक वो सड़क का पता नहीं है क्योंकि वो सब फास था। लोगों को झूठे सब जवाब दिखा के 2019 वोट लेने की एक तरकीब थी, तो जिसको बोलते ठगी करना। एक कलराज जी ने उसी समय देवरिया में सेंट्रल स्कूल है उसके भवन का शिलान्यास किया, वो आज तक पता नहीं उस भवन कहाँ है। इस देवरिया जनपद में सिविल हॉस्पिटल नहीं है, देवरिया जनपद के बस स्टेशन की बिल्डिंग नहीं है, देवरिया जनपद में बीजेपी की डबल इंजन की दोनों सरकार के मुखियाओं ने 3-3 शुगर मिल जो बंद है उनको 1 महीने के अंदर चालू करने का आश्वासन दिया था। आज 10 साल होने जा रहा है, एक भी शुगर मिल नहीं चला। कई बार ये भाषणों में कहा PM और CM साहब ने कि देवरिया में एक बहुत बड़ा शुगर कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसमें एथेनॉल बनेगा और क्या क्या बनेगा, इतने हजार लोग रोजगार नौकरी पाएंगे, कहीं कुछ नहीं है। कितने ओवरब्रिज और अंडरपास रेलवे के बनाने की बात की थी, कुछ नहीं किया, सिर्फ झूठ बोला है। तो देवरिया के लोग बहुत क्रोध में है, गुस्से में है कि ऐसे पार्टी जो सिर्फ असत्य बोले, लोगों को गुमराह करे, लोगों के साथ ठगी करके वोट ले लिया, उसकी जमानत जब्त करानी है, और जनता ने देवरिया के ठान लिए। देवरिया के सारे मुद्दे जिसके आधार पर आपको लग रहा है कि आप जीत दर्ज करेंगे, लेकिन उसी देवरिया की जनता के बीच में चर्चा भी है कि अखिलेश जी जब रुद्रपुर से विधायक रहे आपने खूब काम किया वहां पर 5 वर्ष 2012 से 2017 तक, लेकिन कहा जा रहा है कि उस दौरान आप वहीं तक सीमित रहे, पूरे देवरिया को आपने कवर नहीं किया। इस बार जिस तरीके से आप कर रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान, पहले इस तरीके से आप कनेक्ट नहीं रहे पूरे देवरिया? नहीं, आपको जानकारी नहीं है, गोरखपुर से देवरिया सलेमपुर रोड 4 लेन हमने बनवाया अखिलेश यादव के समय, रुद्रपुर से गौरी बाजार कप्तानगंज हाटा 2-वे लेन सड़क हमने बनवाया, देवरिया में मेडिकल कॉलेज कांग्रेस के समय जब मेडिकल कॉलेज बनने शुरू हुए थे, 3 UP को मिला था, देवरिया को मेडिकल कॉलेज मैंने लिया, तब मैं विधायक था, और देवरिया में ट्रामा सेंटर हमने बनवाया विधानसभा से बिल पास करा करके। विधानसभा के वेबसाइट पे चले जाइए, अखिलेश प्रताप सिंह डॉट डॉक्यूमेंट टाइप कर लीजिए, और हमने जितने 154 तो उसमें मेंशन है कि जो डिबेट किए हैं, जो उस पर बिल और क्वेश्चन लगाए हैं, और जिसपे बहुत सी योजनाएं हैं, अभी बताऊंगा तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, देवरिया और पूर्वांचल के लिए उसमें किसके द्वारा वो बनी है, किसके द्वारा विधानसभा में पास प्रस्ताव रखा गया और मेरे प्रस्ताव पे सरकार ने क्या निर्णय लिया उसमें दिया है। मैं अगर अपना गिनाने लगूंगा तो उससे बेहतर आप उसी को खोल के देख लीजिए, 12-17 के बीच में जी, 12-17 के बीच में। अखिलेश जी फिर से एक बार समाजवादी पार्टी के साथ आपका गठबंधन है 2017 की तरह, क्या 2017 की तरह ही जैसे उस बार एक आरोप ये लग रहा था कि दल मिल गए थे दिल नहीं मिले थे,
इस बार ये माना जाए कि दिल मिल गए, क्योंकि मैं आपके प्रचार में देख रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी की पूर्व विधायिका जी भी हैं, कई कार्यकर्ता भी, कई सपोर्टर यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नजर आ रहे हैं, तो इस बार ये माना जाए कि दल और दिल दोनों मिले हुए। ये देखिए, दल और दिल तभी भी मिले थे, लेकिन मीडिया के लोगों को थोड़ा जुमले उमलेबाजी करने की आदत है, तो वो कर रखा था। हम लोग का आज भी दल और दिल मिले हुए हैं, क्योंकि विचारधारा एक है। देश को परेशान कर रखा है मोदी जी ने, बीजेपी ने, और जनता यदि परेशान है, समाज यदि परेशान है, उसको कोई भविष्य नहीं दिख रहा है, तो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। वो लाख जुबान दबाने की, आवाज़ दबाने के प्रयास करें, लेकिन कोई डरने वाला नहीं है, क्योंकि जनता के हितों की लड़ाई लड़ना ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का असली मुद्दा है, और हम लोग लड़ रहे हैं। उधर से कहा जा रहा है, आप सुन भी रहे होंगे, लगातार बयान आ रहा है कि 2017 में भी यूपी के लड़के दोनों साथ आए थे और इस बार भी साथ आए हैं, तो जब पिछली बार कोई मैजिक देखने को नहीं मिला, तो इस बार भी कोई मैजिक देखने को नहीं मिला। ये तो नॉन पॉलिटिकल सा बयान है, पिछले बार क्या था, इस बार क्या है। इस बार तो मोदी को कोई सुनने नहीं आ रहा है, इस बार तो कोई नहीं कह रहा मोदी मोदी, कोई नहीं बोल रहा है मोदी है तो मुमकिन है, कोई नहीं बोल रहा है, क्योंकि जैसे कोई बोलता लोग हंसने लगते हैं। मोदी तो अब ये भी नहीं बोले कि मोदी जी की गारंटी, क्योंकि मोदी जी की इतनी झूठ की गारंटियां मार्केट में तैर रही हैं कि मोदी जी खुद भी नहीं बोले कि मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने 10 साल सिर्फ लोगों को असत्य बोल करके, गुमराह करके, झूठे सब्जबाग दिखा करके वोट तो ले लिया, लेकिन अब लोग समझ गए, इतनी अच्छे से मोदी जी को देश जनता समझ गई है कि देखिएगा कितने कम सीटों पर सिमटेगी बीजेपी। मोदी जी तक जीतने के लाले पड़ जाएंगे, और जीत हो सकता है 9 भी जीते पूरी, हमें तो उम्मीद है नहीं जीतेंगे बनारस से, अंडर करंट जबरदस्त है। मैं भी सुन रहा था अपने संबोधन के दौरान, आप कह रहे थे और विधायिका जी भी कह रही थी और जो साथी थे वो भी कह रहे थे कि बनारस में भी टाइट फाइट है, हो सकता है कि जरा इस बार वहां पर कहानी पलट दे। लेकिन जब अखिलेश जी से यही सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा कि देखिए 79 सीटें तो हम जीत रहे हैं, एक सीट वो जीत रहे हैं, वो है क्योटो वाली। तो मतलब क्या वहां पर ये मानकर चल रहे हैं कि अजय राय जी हार रहे हैं? आप लोग तो कह रहे हैं कि टाइट फाइट है। आप फिर झूठ बोल रहे हैं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आप कहते हैं कि मैं कड़ा बोलता हूँ, उन्होंने कहा था कि फाइट है, एक सीट पे फाइट है, जीतना ये नहीं, हाँ क्योटो में फाइट है ये बोला था, लेकिन आपने उसको घुमा के कह दिया कि जीत रहे हैं। यही इसी असत में मुझे, मैं कड़ा जवाब देता हूँ, तो आप लोगों को लगता है कि शायद एक सीट यही नहीं, एक सीट पे फाइट है, मैंने वो वीडियो देखा है। आप बताइए क्या बोला था उन्होंने कि जीत रहा है, उन्होंने कहा एक सीट पे फाइट है, ठीक है आप देख लीजिएगा एक बार फिर से उसको, कई बार बोला था उन्होंने और यही कहा था कि वही एक सीट वो जीत रहे हैं, सही कह रहे हैं, बाकी 79 वो हार रहे हैं, बाकी ठीक है कोई बात नहीं। अभी चूंकि अखिलेश यादव के बयान को लेकर ही सवाल जवाब हम लोग कर रहे हैं, तो अभी जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो वहां पर अखिलेश यादव जी से सवाल किया गया कि कांग्रेस पार्टी के नेता भूपेश बघेल जी जब आए थे प्रचार करने के लिए, तब उनसे पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से, गठबंधन की तरफ से पीएम फेस कौन है, तब उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी के चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सवाल उनसे किया गया कि क्या गठबंधन ने तय कर लिया है कि राहुल गांधी पीएम बनेंगे, तो अखिलेश जी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, उनका कि हमारी रणनीति का हिस्सा है। ये तो बहुत बार, जब से गठबंधन बना तब से आप लोग सवाल करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? जिस दिन गठबंधन की पहले बैठक हुई तब से आप लोग ये सवाल करते हैं, और वही जवाब मेरा है जो तब से जवाब दिया जा रहा है। भूपेश बघेल जी का अलग है, गठबंधन ने जो जवाब दिया वो जवाब फाइनल है, बघेल जी वाला फाइनल। अरे भाई, गठबंधन ही तो जवाब देगा गठबंधन के बारे में। हमारी तो इच्छा है, भूपेश जी की इच्छा है, सबकी इच्छा है, कांग्रेस पार्टी की हर व्यक्ति की इच्छा, अधिकांश लोगों की इच्छा कि राहुल गांधी बने, लेकिन गठबंधन का जो निर्णय है वही निर्णय, वही प्रक्रिया गठबंधन के लिए लागू होगा। ये वाला सवाल मैंने इसलिए किया अखिलेश जी, क्योंकि उधर से कहा जा रहा है बार बार, पीएम मोदी को भी आप सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि उन्होंने तय कर रखा है कि वो 5 साल में 5 PM देंगे, मतलब 5। देखिए मोदी जी को इसीलिए तो अपनी गरिमा वो गिरा देते हैं, कैसे हल्की बातें करते हैं, कभी भैंस खोल ले जाएगा कोई, कभी घर में एक्सरे लगा के मंगलसूत्र लेके चला जाएगा, तो कभी हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, कभी क्या क्या बोलते हैं। क्या मोदी जी का ये सब शब्दावली गरिमा में है एक प्रधानमंत्री के पद के लिए? 10 साल रूल करने के बाद 3 महीने हो गए, मोदी जी ने एक लाइन अपने सरकार की उपलब्धि नहीं बोली आज तक, क्योंकि उपलब्धि है ही नहीं है, तो क्या बोलेंगे। वो ये कह रहे हैं कि आधे से अधिक सीटों पर चुनाव हो गया है, हम पूर्ण बहुमत तो पा चुके हैं, अब लड़ाई 400 पार जाने की है। देखिए वो तो यहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ उनको पता है कि क्या रिजल्ट आने वाला है, उनको पता है, क्योंकि मोदी जी भी पॉलिटिक्स में तो हैं, आभास तो उनको भी हो जाता है ना क्या होने वाला है।
तो उनको यहां से पता है, अच्छी तरह पता है, और सारे बीजेपी के नेताओं को पता है। अमेठी में क्या होगा? आउट गोइंग पीएम है मोदी जी, निवर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी। अमेठी में क्या होगा? स्मृति ईरानी जी की जमानत जब्त होगी, जमानत जब्त होगी। राहुल जी रायबरेली क्यों चले? रायबरेली अमेठी में कोई फर्क नहीं है, वो नेहरू फैमिली की एक्सटेंडेड फैमिली है, दोनों परिवार है नेहरू फैमिली का, दोनों घर है, घर में है। सोनिया जी ने जब कहा कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ, तो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि रायबरेली उनकी विरासत है, कोई भी सीट किसी की विरासत कैसे हो सकती है? तो बीजेपी परेशान है, परेशान है, वहाँ भी उनकी जमानत में भी जो जमानत जब्त होती है वो होने वाली है रायबरेली में, इकाई दहाई में उठ पाएंगे तो क्या करें बीजेपी वाले, बौखलाए हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि ये चुनाव जो है वो राम प्रेमियों और रामद्रोहियों के बीच में है। तो हमें नहीं पता हुआ, भाजपा के अपने लोगों को रामद्रोही कोई कहे तो भाई हम उनकी मर्जी है। वो कह रहे हैं जिन लोगों ने राम से दूरी बना रखी है वो रामद्रोही हैं, हम तो राम के हैं, हमने दिव्य। देखिए वही तो मैंने कहा ना कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री 8-8 साल 10-10 साल रहने के बाद अगर अपने सरकार के काम नहीं गिना पा रहे, इसका मतलब समझ जाइए कि उनकी जाने का दिन आ गया है। भाई आप अपने सरकार के काम तो नहीं बता पा रहे ना, साफ निर्माण को भी। अरे राम मंदिर निर्माण कौन किया वो जाने दीजिए, वो विषय आप सत्ता में बैठे हैं 8 साल से 9 साल से, आप अपना काम नहीं बता पा रहे ना, साफ है कि आपको भी पता है। अमित शाह जी ने 5 सवाल पूछे राहुल गांधी जी से, उसी में एक सवाल ये भी है कि क्या वो अयोध्या जाएंगे, रामलीला के दर्शन करेंगे? अमित शाह जी गए क्या अयोध्या? अयोध्या तो गए, वो दर्शन करने गए रामलीला के? दर्शन करने नहीं गए। अच्छा, पहले उनसे पूछेगा वो कब जाएंगे वो बता दें पहले, उनके बाद जाएंगे। अरे पहले पूछ लीजिए उनसे, आप पूछ लीजिए ना, आपसे आप उनका सवाल पूछ रहे हैं तो आप उनसे पूछ लीजिए ना, अमित शाह जी आप कब जाएंगे, दूसरे के बारे में पूछ रहे हैं वो जाएंगे उसके बाद। अरे भैया हम आप अमित शाह के बिहाफ पे हम उससे सवाल कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आपको पहले उनसे पूछना चाहिए कि अमित शाह जी आप कब जाएंगे, तो फिर वो ये आपने पूछा, आप पहले पूछिए ना, आप पहले पूछिए। उन्होंने 5 सवाल। अरे तो आप उनसे पहले पूछिए ना, मेल करके पूछिए, फोन करके पूछिए, आप लोग बात करते हैं उनसे पूछिए क्या आप दूसरे। अरे वो क्या कर रहे हैं वो तो अलग की बात है ना, पहले आप तो अपना धर्म निभाइए कि दूसरों से पूछने वाले, भैया तुम तो बताओ ये काम कब करोगे। देख लीजिए जैसे देखिए पीएम मोदी भी गए, सीएम योगी भी गए, तमाम लोग गए, ऐसा नहीं है। और आप लोग बार बार ये कहते हैं कि राम जितने उनके हैं राम उतने हमारे भी हैं, इस वजह से सवाल किया जा रहा है कि अगर उतने ही हैं तो फिर दूरी क्यों? कौन सी दूरी, राम हमारे लिए आराध्य हैं, राम हमारे हम लोगों के लिए पूरे हिंदुस्तान के लिए आराध्य हैं, उनके लिए कुछ और होंगे। सत्ता में बैठे हो भैया, सत्ता की बात करो, 10 साल में जो किए हो जो वादे किए तो उसकी बात क्यों नहीं करते? उनका एक और सवाल है कि आप सीए को खत्म कर देंगे? देखिए अरे उनके ये सब सवाल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। गंगा मैया साफ हुई, 15 लाख मिले, काशी क्योटो बन गया, 2 करोड़ नौकरियां मिली, काला धन आ गया, सबके खाते में 15 लाख गया, दाऊद घसीट के ला दिए, चीन को लाल लाल आंख दिखाए, 100 स्मार्ट सिटी बन गया, 2022 तक सबको पक्का घर मिल गया, डारा जमीन पे आ गया, गैस के दाम कम घट गए, डीजल पेट्रोल पानी के भाव हो गए, ये सवाल वादे किसने किए थे? कभी मोदी जी के मुख से इन शब्दों का उच्चारण आपने 10 साल में सुना? करने को छोड़ दीजिए, कभी उनके मुख से इन शब्दों का उच्चारण सुना हो तो बता दीजिए। खाली झूठ बोल करके कितने बार सत्ता में आओगे भैया, दुकान बंद, अब लोग समझ गए हैं। बच्चा बच्चा कह रहा है कि मोदी जी की जुबान और चीन में का बना सामान की कोई गारंटी नहीं है। सीए पर नहीं बोले आप? अरे जो हम तो बोल ही रहे इतने देर से, सत्ता में जिसके पास जिम्मेदारी जिसको मिली उसकी जवाबदेही है, जिसने वो वादा किया था वो तो बताओ, हम तो वो पूछ रहे, हम तो ये बोलेंगे कि जो आपने वादा किया था उसका क्या हुआ, क्या हुआ तेरा वादा, क्यों वोट मांगने आए हो, क्यों नहीं बता रहे हो, माफ करो भैया मैं 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाया, माफी मांग ले मोदी जी एक बार देश से। अपने वादों को झूठा
जो झूठे वादे थे, जो देश को उन्होंने झूठ बोला, उसके लिए माफी मांग ले दोनों लोग, बीजेपी के सारे लोग। कह रहे हैं कि हमारे वादों पर आपको भी आना पड़ा, हमने 5 किलो राशन देने की बात कही थी, हम दे रहे हैं, और अब पहले आप इसका विरोध कर रहे थे, कह रहे थे लोगों को मुफ्त में खाने की आदत डाल दी, आप कह रहे हैं कि हम 10 किलो। देखिए, 5 किलो राशन वो देना शुरू किए थे क्या मोदी, देना शुरू किया था क्या 5 किलो राशन? किसके कानून से 5 किलो राशन मिलना शुरू हुआ था आप बताएं? फूड सिक्योरिटी एक्ट कौन लाया? मनमोहन जी की सरकार लाया। मनमोहन सिंह लाया। वो कौन सा एक्ट लाया? कोई एक कानून बताइए जो लोकसभा से उन्होंने पास किया और गरीबों के लिए हो, एक कानून बता दीजिए। अब कहिए हम 24 गिनाए। नहीं, कह रहे हैं, आप कह रहे थे कि लोगों को मुफ्त। अरे वो कह रहे थे, हम तो करके देखा बता रहे ना, हम लोग करते हैं वो कहते हैं, ये तो फर्क है। आप मान देख लीजिए कि ये राशन बहुत बड़ा फैक्टर है चुनाव में, बहुत बड़ा फैक्टर, बहुत सी चीज, मोदी जी का झूठ सबसे बड़ा फैक्टर है। रोजगार भी, रोजगार झूठ बोले थे ना, वो भी उसी में, उसी झूठ में रोजगार भी है। एक बार फिर से देवरिया पर ही लौटते हैं, उत्तर प्रदेश पर आखिरी के एक दो सवाल, मुझे पता है आपकी व्यस्तता, आपको प्रचार के लिए जाना है। क्या इस बार क्षत्रिय समाज में एक नाराजगी देखने को मिल रही है बीजेपी के प्रति, उसको डैमेज करने की कोशिश की, डैमेज कंट्रोल करने की? देखिए, ये भाजपा ही करते हैं, हर समाज में नाराजगी है, हर व्यक्ति परेशान है, वो आप लोग भी परेशान होंगे। जिस गति से 2014 तक मीडिया के लोगों को सुविधाएं और इंसेंटिव्स और तमाम चीजें मिलती थी, अब मीडिया इन्हें सबको जो भी जिस फील्ड में जॉब कर रहा है, उस गति से क्या पिछले 10 सालों में लोगों की सैलरी या जो और सुविधाएं हैं बढ़ी हैं, मिली हैं? नहीं मिली हैं। हर कोई परेशान है, झूठ से सरकारें नहीं चलती हैं। देवरिया का क्षत्रिय समाज पूरी तरीके से आपके साथ? हर समाज मेरे साथ है भाई, ये भाजपाइयों के लिए होगा फला समाज, हम लोग कभी नहीं जानते कि कौन किस समाज का है, सब मानव है, इंसान है, सब हमारे भाई हैं, और सबको महंगाई से, बेरोजगारी से, गरीबी से परेशानी है, और झूठ बोलने वालों से कष्ट है। एक आखिरी सवाल अखिलेश जी, अगर आप जीतते हैं तो जो आपने 5 काम देवरिया के लिए शुरुआती दिनों में तय किए हो, जो आप करना चाहते हो, जो आप लोगों को बताना चाहते हो? देखिए, यहाँ बहुत से काम हैं, 10 सालों में तो यहाँ पे देवरिया को इतना पीछे कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है, चीनी मिलें चलवानी है, कुछ इंडस्ट्रियाँ लगवानी है, सिविल हॉस्पिटल बनवाना है, हमारा बकायदे हम देवरिया के एक मैनिफेस्टो भी ला रहे हैं, हम क्या क्या करेंगे, कई अंडरपास बनाने हैं, कई ओवर ब्रिज बनवाने हैं, जो रोड है, जो हमारा ट्रैफिक का है, जिसे ये लिंक रोड का ये, और उसके अलावा जो हमारा बाईपास का ये, रिंग रोड का ये सब बनवाना है। ठीक है, 10 साल में कुछ हुआ नहीं ना? ओके, 10 साल में कुछ नहीं हुआ। आपने चुनावी व्यस्तता के बीच समय निकाला, हमसे विस्तृत बातचीत की, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया।